प्रिंसिपल हमसे कहा कि अपना फाइल कलेक्टर ऑफिस जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया, जमा करते हुए कम से कम 2-2.5 महीना हो गया। बाकी वो यहाँ तक पता लगाए कि SDM साहब के ना गई हमारी फाइल, और SDM साहब के बाद पता लगा कि लेखपाल के पास चली गई है। लेखपाल आज तक ले हमारे 149 नंबर पर रिपोर्ट लगाने नहीं आया हमारे ग्राम सभा। हम लोगों को जब तक पैसा नहीं मिलेगा इसी रोड पर कफन बांध कर बैठेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन हम बनाने नहीं देंगे रोड। हम नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया क्षेत्र में 124D के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। ये सुनते हैं क्या कुछ कहा किसानों ने। क्या नाम आपका? राम प्रसाद। क्या परेशानी है जो रोड को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? 11-7 बीसा का पैसा मिले ला, 11-20 फेट गए। अच्छा, किस नंबर पे हैं आप? 135 में कितनी जमीन गई है आपकी? इसमें 13-20 गए। क्या बोले हैं अधिकारी? आप किसी से बात हुई है आपकी? गाजीपुर जमा के हम कागज अधिकारी बोले हैं। तो पैसा क्यों नहीं आ रहा आपका? 7 बीसा का पैसा है, 1 लाख रुपए पैसा रहते ना अभी। तो कह रहे हैं 2 किस्तों में आएगा। कुछ नहीं बोले, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं। क्या नाम आपका? पांचू। क्या मतलब आप किस नंबर का खेत है? 149 नंबर। क्या परेशानी हो रही है आप लोग? परेशानी 149 नंबर में सर है कि हमारा 11-20 का चेक है, उसमें 2.5 बीसा का पैसा आया है। आज जब तक और पैसा हमारा पूरा खेत जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, आया है। और उस पर अधिकारी लेखपाल कुछ नहीं आपत्ति लगा रहा है, न कुछ कह रहा है। कागज अपना हम गाजीपुर भी जमा करें, वही से भी मतलब इंक्वायरी हमारे भी नहीं कुछ आई है। आप फोन कर ले, मोबाइल लेखपाल स्विच ऑफ करा रहे हैं, हमसे बात कर रहा है। 2.5 बीसा की हमारी नोटिस आई है, 2.5 बीसा इतने चक है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कम से कम 10-15 लोग हैं। सभी लोगों के साथ? हाँ, सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो स्थानीय प्रशासन है जैसे लेखपाल, तहसीलदार, इन लोगों से आप लोगों को क्या जवाब मिल रहा है? इसलिए हम लोग तो गाजीपुर का नाम कि कलेक्टर ऑफिस फाइल जमा कर दिए। लेखपाल हमसे कहा कि अपना फाइल कलेक्टर ऑफिस जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया, जमा करते हुए कम से कम 2-2.5 महीना हो गया। बाकी वो यहाँ तक पता लगाए कि SDM साहब के ना गई हमारी फाइल, और SDM साहब के बाद पता लगा कि लेखपाल के पास चली गई है। लेखपाल आज तक ले हमारे 149 नंबर पर रिपोर्ट लगाने नहीं आया हमारे ग्राम सभा में, गोरखपुर में रिपोर्ट लगाने के लिए। गांव में जब कोई बात होती है, जब आप लोगों को जरूरत पड़ती है, तो लेखपाल महोदय आते हैं या नहीं आते? नहीं आते हैं, हम बुला रहे हैं, फोन मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हैं। आप लोगों को ढूंढना पड़ता है? हाँ, हम लोग को ढूंढना पड़ता है। अन्य अधिकारी अब तक आप गाँव वालों से मिले हैं? नहीं मिले। क्या समस्या आप? कुछ नहीं मिले हैं। हम लोग की गाजीपुर में फाइल भी जमा है। यदि आप लोगों का नहीं सुना जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? धरने पर रहेंगे, गाड़ी नहीं चलने देंगे, रोड नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे उसके साथ, और क्या करेंगे सर? क्या नाम है दादा आपका? राम अवतार। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी ये है कि 7 बीसा का पैसा मिला और जमीन जा रही है 13 बीसा। इसके बाद लेखपाल साहब से मैं बोला कि लेखपाल साहब आप जमीन क्यों बेची, हमारे नाप दिए, जितना 7 बीसा का आपको पेपर मिला 7.5 बीसा नापिए, ये फालतू जमीन क्यों नाप दिए? तो बोले कि हम नाप देंगे, इसके बाद आप गाजीपुर जाइए, दरखास्त दे दीजिएगा, आपको पैसा बाद में मिलेगा। और इसके बाद लेखपाल साहब से फिर बोले कि अरे लेखपाल साहब हमारा पैसा नहीं आया, तो लेखपाल साहब बोले कि पेपर जो है रोड विभाग को दे दिए, और जाकर के मिट्टी जब डाल रहे हैं आप लोग जाकर के एकत्र होकर के मिट्टी को रोकिए और छेकिए, तब लेखपाल साहब बोले। हाँ, लेखपाल साहब बोले तब पैसा मिलेगा, अरे पारी पारा लगा आप लोग छेकेंगे तो मिट्टी फेंक करके रोड बना लेंगे, इसके बाद पैसा 1 रुपया नहीं किसी कष्टकार को मिलेगा नहीं। मतलब सरकारी काम को रोकने के लिए निर्देश लेखपाल महोदय ने दिया आप लोगों को? लेखपाल साहब बोले हैं कि उस सभी लोग मिल करके एकत्र होकर के उस रोड को आप लोग रोकिए, जब मिट्टी वो डाल देंगे इसके बाद किसी के कष्टकार को 1 रुपया नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग काम रोकवाएंगे? पैसा यदि या हम लोगों को मुआवजा दे दें, या नाप करके हमारी जो जमीन पूरा कर दें, इसके बाद जमीन वो रोड लेगा, हम लोग रोड नहीं छेक रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसा नहीं होता जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, जितना पैसा मिला है उतना ही भर जमीन चक्रोड जाने देंगे, इसके बाद फालतू जमीन में हम अपना 1 रोड़ी मिट्टी नहीं डालने देंगे। चलिए, क्या नाम आपका? श्रीकांत। क्या परेशानी है आपको? सर, हमारा अराजी नंबर 139 है, जिसमें हमको 3 बीसा 8 धूर की नोटिस मिली है, और मौका पर जो है जब पहले पत्थर गाड़े थे लोग वो सही था, लेकिन बाद में जो है नाजायज दबाव प्रभाव में आकर के ठेकेदार लोग जो है
9 बिस्सा जमीन हमारी कब्र की है लोग जबरदस्ती। अच्छा, नोटिस के अलावा जमीन इधर उधर की जा रही है। नोटिस के बाद इतना ही दूरी है या पूरे कहीं और मामला ऐसा आया है? हाँ, आगे भी मामला उधर रामबन में भी ऐसा मामला किए हैं। मतलब आसपास के जो पहुँचे लोग हैं वो इधर उधर करवा रहे हैं रोड को? हाँ हाँ, यही पहुँचे लोग जो है रोड को इधर उधर करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जमीन ज्यादा जा रही है। जिधर पैसा मिला है उधर जमीन नहीं ले रहे हैं, उसके ठीक अपोजिट जा करके लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हम लोगों को जब तक पैसा नहीं मिलेगा इसी रोड पर कफन बांध कर बैठेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन हम बनाने नहीं देंगे रोड हम। और इसके बाद भी सुन लीजिए, हमने SDM साहब को अभी फोन किया यहाँ पे, जब अतिक्रमण होने लगा तो बोले, मैं 3 बार उनको फोन किया, वो बोले कि मैं लेखपाल को भेजा हूँ जा रहे हैं। 3 बार रिपीट किया, बोले लेखपाल को भेजा हूँ, अभी तक लेखपाल 11 बजने जा रहा है, नहीं मौके पर आए। क्या नाम आपका? सुभाष मौर्य, घाटा नंबर 141, 5 बीसा का पैसा नोटिस आया, तो फाइल जमा है, सब जमा है, पैसा नहीं मिला। लेखपाल साहब से बात हुई आपकी? बात तो क्या हुई है, कोई भेज नहीं रहे। क्या नाम आपका? लक्ष्मण मौर्य। आपका कौन सा नंबर है और कितना जमीन गई है? 124 नंबर खुद गौरा में। अच्छा, पैसा कितना मिला है आपको? राजी नंबर 124 नंबर, 6 बीसा 6 दूर का नंबर है, नोटिस आये 10 बीसा का, तो हम तो कागज पूर्ति करके लेखपाल के यहाँ जमा कर दिए और पैसा नोटिस भेजे नहीं, और पैसा आया नहीं। और उसके सटा हुआ 125 नंबर वो भी हमारा है, और उसका तो नोटिस ही नहीं मिला। क्या नाम माता जी आपका? हमारी मिर्ची नाम है। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी है ये कि 13 बीसा खेत गल है, 5 बीसा खेत का हमके पैसा मिला है, शेष का भी नहीं मिला। नहीं, अब खेत ना। उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई या फिर किसी से बात हुई? हम गाजीपुर कहले हैं, हम दरखास्त दे रहे हैं गाजीपुर। उसकी जांच आई अब तक? नहीं, कोई जांच नहीं आई, कोई जांच नहीं, यहाँ तक कि हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी रजिस्टर किया हूँ, लेकिन और गाजीपुर CRO साहब की दरखास्त जो दिया उसको ऑनलाइन भी कर दिया हूँ, आज 15 दिन हो गया, लेकिन लेखपाल मौके पर देखने के लिए नहीं है। वहीं तहसीलदार महोदय के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ।